लेकर के आ गई हूँ 10 ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस 10 ट्यूटोरियल को लाइक करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो ट्यूटोरियल ट्राई किया। सो आज हम क्रिएट करने वाले घर में ही एक पिकनिक स्पॉट, और हम बनाएंगे एक छोटा सा टेंट, एक कैंप, और ये पीछे वाला जो प्लेस है ना, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे टेंट। तो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे ये कौन सी प्लेस क्रिएट कर सकते हो एंड घर में ही पिकनिक स्पॉट बना सकते हो। मैं तो ये क्रिएट कर रही हूँ मेरी छोटी सी बेबी है इनका उसके लिए, सो तो घर पे ये प्यारा सा फन स्पेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए एक प्लेइंग मैट, कुछ क्लोथ क्लिप्स या फिर सेफ्टी पिन भी आप यूज कर सकते हो, एंड डबल बेड वाले 3 बेडशीट आपको चाहिए। बड़ी वाली बेडशीट हमें यूज करनी है। एक आप डोरी ले लो, थोड़ी लंबी साइज की डोरी लीजिएगा। तो मैं मेरे घर के लिविंग रूम के इस कॉर्नर में बना रही हूँ ये टेंट, एंड बेसिकली आपको एक ऐसी प्लेस ढूंढनी है आपके घर में जहां पर आपको 2 हिस्से मिल जाएं डोरी को बांधने के लिए, यानी कि 2 साइड मिल जाएं डोरी को बांधने के लिए जिसपे कि हम टेंट बनाएंगे। अब आप मेरे राइट साइड में देखो, यहाँ एक डोर है जिसपे एक लैच लगा हुआ है। अब यहाँ पे कोई वॉल नहीं है तो फिर मैं क्या करती, तो मैंने इसी लैच पर इस डोरी को टाइटली बांध दिया। बहुत ही टाइटली आपको बांधना है, कोई भी कील या फिर हुक में आप इसे बांध सकते हो। और इस तरीके से मैंने इसे दूसरे वॉल पे जो कील लगी हुई थी उस कील पे फंसा करके टाइट बांध दिया। एंड ये डोरी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि इस डोरी की हाइट आपकी बेडशीट की हाइट से कम हो। फ्लोर पे बिछाने के लिए मैंने ये कंफर्टर लिया है, सिंगल बेड का कंफर्टर। आप कोई मैट या फिर कोई चादर भी नीचे फ्लोर पे बिछा सकते हो। अब जो बेडशीट आप टेंट में बनाने के लिए यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने प्लेन बेडशीट ली हो, अदरवाइज अगर आपके पास प्रिंटेड बेडशीट है तो उसके प्रिंट को आप अंदर के साइड में रखिएगा। इसके बाद एक बेडशीट को आपको पूरा ओपन करना है और डोरी पे कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा डोरी पे हो और बाकी सारा नीचे फॉल करे। अब आप दूसरी बेडशीट लो, अगर आपकी बेडशीट पे प्रिंट है तो इसे पूरा ओपन करने के बाद में आपको बीच से उल्टे तरफ फोल्ड कर लेना है। अब इसे आपको डोरी पे उसी तरीके से प्लेस करना है जैसे हमने फर्स्ट बेडशीट को प्लेस किया था, बट ये डोरी के एक साइड में ही प्लेस होगी। इसके बाद आप बेडशीट को डोरी के ऊपर से क्लोथ क्लिप के हेल्प से या फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए जिससे कि बेडशीट नीचे फॉल ना करें। अब बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड वाली बेडशीट को भी आपको ओपन करके रिवर्स साइड में फोल्ड करना है और इसी तरह से डोरी पर प्लेस करना है। इन दोनों बेडशीट से ही हम टेंट में डोर एंड कर्टन क्रिएट करेंगे। हमारा मेन टेंट रेडी है और अब हम क्रिएट करेंगे टेंट का बेस, और इसके लिए हमें कुछ पिलो एंड कुशन्स चाहिए होंगी। मैंने ऑलरेडी आपको टेंट के लिए बताया हुआ है किस तरीके से आप बिना पाइप के टेंट बना सकते हो और उसका बेस क्रिएट कर सकते हो पिलो की हेल्प से, उसी तरीके से आपको इस टेंट का भी बेस क्रिएट करना है। तो इस वाले टेंट की हाइट एंड अंदर स्पेस भी ज्यादा होगा, तो बच्चों के साथ इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं। तो टेंट के इन तीनों चादरों को आपको बिल्कुल टाइट पकड़ करके पिलो के नीचे दबाना है। इस तरह से हम इसे टीपी टेंट का शेप देंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, टेंट में सामने वाली चादर में 2 हिस्से हैं, हमने इसे फोल्ड किया था रिवर्स में, तो इसका बाहर वाला हिस्सा जो होगा उसे आपको बाहर की तरफ खींचना है और साइड में प्लेस कर देना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जो थर्ड वाली बेडशीट है उसका भी हम कुशन के साथ में प्लेसमेंट करेंगे और बाहर के साइड वाला फ्लैप को पकड़ करके कर्टन का फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इस टेंट में सामने और साइड से भी एंट्री दी गई है, तो अपने हिसाब से कोई भी एंट्री ओपन कर सकते हो। तो ये दिख रहा है ना बिल्कुल टेंट जैसा। और अब हम इसकी सामने की फ्लोरिंग क्रिएट करेंगे, यानी कि थोड़ा सा गार्डन वाला लुक देंगे जैसा कि पिकनिक स्पॉट में होता है। ये लुक क्रिएट करने के लिए आप कोई भी बेबी प्ले मैट बिछा सकते हो या फिर आपके पास कोई कारपेट है, रग है, आप कुछ भी डाल सकते हो। एंड डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बैम्बू स्टिक्स रखी हुई है मेरे पास की, तो वो मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी आइटम हो डेकोरेशन के आप वो यूज कर सकते हो, कोई फ्लावर है, कोई आर्टिफिशियल प्लांट है, लिविंग प्लांट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो भी आप अपने पिकनिक स्पॉट में रखना चाहते हो। ऑल्सो मैंने यहाँ पर अनिका का एक स्लाइडर था वो भी प्लेस कर दिया है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड कुछ टेडीज थे वो भी यहाँ पे रख दिए जो उसको चाहिए थे। ऑल्सो उसी कुछ खेलने वाली चीजें जैसे कि ये सॉफ्ट प्ले बॉल थी एंड कुछ खाने पीने का सामान भी बिल्कुल मैंने उसी तरीके से प्लेस किया है यहाँ पर जैसे कि हम पिकनिक स्पॉट पे अपने साथ में लेके जाते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने टेस्ट अपने चॉइस के हिसाब से चीजें प्लेस कर सकते हो और इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो पिकनिक स्पॉट एंड टेंट हमारा रेडी है, अनिका एंजॉय करने के लिए रेडी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया निका को।